हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुखमित सौम्य में। आज हम बनाएंगे टेस्टी और इजी गणपति बप्पा के लिए चॉकलेट मोदक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे ही टेस्टी और इजी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चॉकलेट मोदक बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक पैन। पैन में हमने ऐड किया है 3 चम्मच घी और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दूध। ये बिल्कुल गुनगुना दूध है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ये। इसे हमने गर्म करके अच्छे से थोड़ा ठंडा कर लिया था। अब इन दोनों को हम ना थोड़ा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और जब ये एक तरफ मिक्स हो जाए ना तब हम इसके अंदर डालेंगे मिल्क पाउडर। ये हमने 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया है। पूरा मिल्क पाउडर एक साथ ना डालें, ऐसे करके ना थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डाल के इसे मिक्स करते जाएँ। और जैसे जैसे आप इसे मिक्स कर लोगे ना तो ये पकते पकते थोड़ा थिक हो जाएगा। अब देखो बिल्कुल इस तरीके का ना ये थिक हो जाता है इसका पेस्ट। फिर अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी का पाउडर। ये नॉर्मल चीनी है, इसे हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था। तो अभी हमें इसे भी इस पेस्ट में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाओगे ना तो ये थोड़ा लूज़ हो के, आप देख रहे हो ना, जैसे जैसे ये आपकी शुगर मेल्ट होगी ना तो ये बिल्कुल इसका जो पेस्ट है ना इस तरीके से हो जाएगा। और ये एक बार जब ये आपका पेस्ट इस तरीके से हो जाए ना तब हम इसके अंदर डालेंगे कोको पाउडर। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच कोको पाउडर को दूध में मिलाकर अच्छी तरीके से लम्स फ्री कर लिया है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे। और ध्यान रखिए आपको 2 चम्मच से ज़्यादा कोको पाउडर यूज़ नहीं करना है, नहीं तो फिर आपके जो मोदक है वो कड़वे हो सकते हैं। और अब इसमें ऐड करने के बाद में हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसका ना हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका, आप देख रहे हो ना, बिल्कुल इस तरीके का डो फॉर्म होने तक हमें इसे पकाना है। अब जब ये थोड़ा, आप देख रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे घी। घी डालने से क्या होगा ना, तो आप देख रहे हो ये आपका जो डो है ना वो एक तरफ इकट्ठा होने लगता है और प्लस आपका जो ये पेस्ट है इसके अंदर बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है, जिससे कि आपका जो मोदक है वो भी अच्छा खासा शाइनी बनेगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो ये जब डो ऐसा हो जाए ना तब आपको गैस की फ्लेम ऑफ करनी है और इसे ठंडा होने के लिए रखना है। और ये पूरी रेसिपी आपको स्लो फ्लेम पर पकानी है। तो तकरीबन 1/2 घंटे के बाद ना आपका देख रहे हो पेस्ट इस तरीके से हार्ड हो जाता है। तो मोदक बनाने के लिए हमें बिल्कुल ऐसा ही डो चाहिए। आपको इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपके मोदक अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमने इस तरीके से ना एक ये मोल्ड ले लिया है। ये मोल्ड आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगे और फिर इसको ना आप इस तरीके से पतला करके इस मोदक में भरिए। और पहले ना आप स्टार्टिंग में इसे दबाइए जिससे कि हमारा जो मोदक है ना, जो उसका नीचे वाला जो शेप है ना कॉर्नर, उसमें अच्छी तरीके से जाए और आपके मोदक को शेप मिले। फिर उसके डालने के बाद आप हाथ से ना उसको अंदर अंदर प्रेस करिए जिससे कि हमारे मोदक में अच्छा सा शेप आए। और बीच में ना आपको ऐसी खाली जगह करनी है और फिर इस खाली जगह में हम डालेंगे थोड़े से नट्स। तो इसमें हमने काजू और बादाम को बारीक कट के इसके बीच में डाल दिया है। अब हमें इसका जो ऊपर का सीरा है ना उसे बंद करना है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा पेस्ट ले लीजिए और उसमें डालने के बाद में आप इस तरीके से हाथ से प्रेस करिए। जो एक्स्ट्रा लग रहा है ना आपको उसे आपको निकाल देना है। आप देख रहे हो ये एक्स्ट्रा जो साइड में लगा होता है ना वो भी आपको हाथ से निकाल देना है। अभी मैं इसको ना ओपन करके दिखाती हूँ। तो आप देखो कितना अच्छा इसका शेप बना हुआ है। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको सारे कॉर्नर में इसे अच्छी तरीके से प्रेस करना है तभी आपका इतना अच्छा शेप आएगा। और जो आप देख रहे हो ना इसका जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो हाथ से प्रेस करके, थोड़ा सा आप इसको हल्के से ऐसे हाथ से प्रेस करोगे ना तो ये सेट हो जाता है और आपका मोदक बिल्कुल ही बढ़िया शेप में आ जाता है। तो सी फ्रेंड्स, ये हमारे मोदक रेडी है और इसी तरीके से हमें ये पूरे पेस्ट का मोदक बनाना है। तो ये इस तरीके से हमने सेकंड मोदक भी बना लिया। मैं पूरे पेस्ट का मोदक बना लेती हूँ और ये हमारे टेस्टी और इजी मोदक रेडी है। इसमें थोड़ा सा अच्छा इसे लुक देने के लिए हमने इसमें लगाया है सिल्वर वर्क। आपके पास अवेलेबल हो तो आप भी इसे लगा सकते हो, नहीं तो फिर ये मोदक वैसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।